शेख साहब, मेरा आज का एक सवाल था कि जब कुर्बानी के मुतालिक था मसला आएगा। हाँ बोलिए। कि हमारे यहाँ पर एक आदमी ने कहा कि अपने नाम से कुर्बानी दो, अगर आपके पास आपकी अगर इस्तेतात है तो हुजूर के नाम से भी कुर्बानी दो, साहबा के नाम से भी कुर्बानी दो, तो ये बात कहाँ तक सही है बताएंगे तो मेरे भाई? ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात में कोई हकीकत और कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी देते हैं या सहाबा के नाम से कुर्बानी देते हैं, ये कहीं पर भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, सहाबे कराम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और इस दुनिया में कोई नहीं गुजरे हैं, लेकिन किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी देता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से छोड़िए, किसी भी मैयत की जानिब से कुर्बानी देना ये शरीयत में साबित नहीं है। और इससे पहले हम इसको बहुत तफसील से इस पर बात कर चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक हमारे ऊपर जो वाजिब हैं, हमें उन हुकूक को अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। कुर्बानी करना जो साबित नहीं है, हम अपनी तरफ से शरीयत के अंदर चीजें क्यों घुसेड़ रहे हैं? जो चीज साबित नहीं है उसको करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लम के जो हुकूक साबित हैं हमारे ऊपर, हम उन्हें अदा करें, और यही सुन्नत है, यही शरीयत है जी। तो अल्लाह के नबी सल्लम की जानिब से, सहाबे कराम की जानिब से या दीगर अमवात की जानिब से कुर्बानी करना हमारी शरीयत में साबित नहीं है।